अगर आपको पृथ्वी के एक साइड से दूसरे साइड तक जाना है तो एक जेट प्लेन को लगेगा लगभग 22 घंटे वहां तक पहुंचने के लिए। बट क्या ये हमारे लिए एक लॉन्ग कट नहीं हो जाएगा? क्यों ना हम अगर एक सुरंग बना सके जो पृथ्वी के एक भाग से डायरेक्टली उसके ऑपोजिट वाले भाग तक हमें पहुंचा सके, हम उस जगह तक और भी जल्दी पहुंच पाएंगे। तो चलिए सोचते हैं, अगर हम एक सुरंग बना भी सके जो धरती के बीच से गुजरेगा तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें दो सिचुएशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। एक सिचुएशन होगा जिसमें हम धरती के बीच से सुरंग बनाते हैं। अब सोचिए, अगर हम इस सुरंग में नीचे कूद गए तो क्या हो सकता है? तो जवाब ये है कि आप धरती के दूसरी तरफ शायद कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और इसके पीछे रीजन है द कोरियोलिस इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरी गोराउंड में बॉल के साथ कभी खेले होंगे बचपन में, बॉल कैसे अजीब तरीके से टर्न हो जाता था एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकने में। इस इफेक्ट को कहते हैं द कोरियोलिस इफेक्ट। तो अभी अर्थ के बारे में सोचते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे कॉन्स्टेंटली घूम रहा है वेस्ट से ईस्ट 1670 किलोमीटर पर आर की स्पीड में। और जैसे हम और गहराई में जाते हैं तो अर्थ के पार्टिकल्स वहाँ भी कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं दिन में एक बार, बट थोड़ी स्लो स्पीड में, क्योंकि उनके पास अंदर उतना एरिया नहीं है कवर करने के लिए। तो अगर हमने एक सुरंग बना लिया और उसमें हम कूद गए तो सिर्फ कुछ टाइम में ही हम ईस्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे हमारे आसपास के पृथ्वी के चट्टानों से तेज। तो सिर्फ कुछ किलोमीटर ही नीचे पहुंचने के बाद हम पृथ्वी के पूरब दिशा के चट्टानों से टकरा जाएंगे। और ये इफेक्ट पहले टेस्ट भी किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर के पास में कुछ माइनर्स ने 1.5 किलोमीटर के गड्ढे में तोप के गोले नीचे फेंके थे, बट वो गोले नीचे तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। बट अब सोचते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में। क्या होगा अगर हमने एक सुरंग बनाया अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक, जहां कोरियोलिस इफेक्ट नहीं हो पाएगा? तो क्योंकि पृथ्वी के बीच का भाग जिसे कहते हैं कोर मास में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसकी ग्रेविटी आपको नीचे जरूर खींचेगी पहले के कुछ 3000 किलोमीटर तक। और जिस फोर्स से वो नीचे खींचेगी वो सेम अर्थ की ग्रेविटी का कॉन्स्टेंट फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो इसका मतलब हम नीचे गिरेंगे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में और पृथ्वी के कोर तक पहुंचने में हमें सिर्फ 13 मिनट लगेंगे। इस एरिया को कहते हैं द आउटर कोर, जहां ग्रेविटी का पुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बट ये हम धरती के सतह पे जितनी फोर्स रोज एक्सपीरियंस करते हैं उससे सिर्फ 10% ही ज्यादा होगा। तो जैसे हम और नीचे पृथ्वी के एग्जैक्ट सेंटर की तरफ बढ़ने लगेंगे, हमारे ऊपर पृथ्वी का इतना मास रहेगा कि उसकी ग्रेविटी जो हमारे नीचे मास है उसकी ग्रेविटी को लिटरली कैंसिल करने लगेगी। और इससे ये होगा कि हमारे नीचे गिरने की स्पीड, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कम होने लगेगी। ये स्पीड कम होते रहेगी जब तक हम पृथ्वी के एग्जैक्ट सेंटर तक ना पहुंच जाए। अर्थ के सेंटर में पहुंचने के बाद हमें किसी भी टाइप का ग्रेविटेशनल पुल फील ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ हमें हर डायरेक्शन से पुल कर रहा होगा। हमें ऐसा लगेगा जैसे हम उसके सेंटर में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। बट क्योंकि हम फिर भी एक मोमेंटम से चार्ज्ड होंगे तो हम लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फिर भी नीचे गिर रहे होंगे। और एक बार हम सेंटर को पास कर दिए तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और हम धीरे धीरे स्लो होने लग जाएंगे। पहले थोड़े कम स्लो, और जैसे और नीचे जाते रहेंगे उतना ज्यादा स्लो होते जाएंगे जब तक हम पृथ्वी के दूसरे साइड तक नहीं पहुंच जाए। और अगर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या हमें बाहर धरती पे नहीं आना है तो हम फॉरएवर ऐसे ही ऊपर नीचे चक्कर काट सकते हैं। तो ये होगा बेसिकली अगर हम पृथ्वी के एक तरफ से दूसरे तरफ की सुरंग में कूद जाए तो। लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है और ये हम सब जानते हैं। अब तक की सबसे गहरी खुदाई की गई है इन रशिया, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल, लेकिन ये सिर्फ 12 किलोमीटर ही गहरा है। इतनी गहराई में ही काम स्टॉप करना पड़ गया था क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई, अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस होने लग गए थे। और यही रीजन है कि हम अर्थ के ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि टेम्परेचर वहाँ एक्सट्रीमली हाई होने लगते हैं। टेम्परेचर 200 डिग्री से 6000 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। बट क्या होता अगर पृथ्वी अंदर से ही खोखली होती तो? तो सबसे पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि वो जनरेट होता है अर्थ के मोल्टन आयरन कोर से। तो इसका मतलब हम सन के हार्मफुल रेडिएशन से बच नहीं पाएंगे। और अगर हम खोखले अर्थ को खोद के अंदर चले जाते हैं तो ग्रेविटी हर बाजू से यूनिफॉर्म होगी, जिसके वजह से हम अंदर फ्लोट करेंगे जैसे अर्थ हमारे अराउंड है ही नहीं। बट हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में उतनी हवा है ही नहीं कि वो पूरे खोखले अर्थ को भर सके ताकि हम सांस ले सके। तो इसीलिए ये अच्छा है कि अर्थ खोखला नहीं है, वरना शायद हम नहीं होते।